प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि मापन क्या होता है? मापना, सीधी सी बात, किसी भी चीज को मापना, चाहे वो लंबाई में या फिर वजन में या फिर मात्रा में। तो यही है आपका ये 19वां पाठ, पाठ 19, कक्षा 1, कलरों से। हाँ, फातिमा अपने पिता की दुकान पर सामान बेचने में उनका हाथ बटा रही है। किसान पांच हाथ रस्सी मांगता है, उसके पिता किसान को हाथ से नाप कर रस्सी देते हैं। फातिमा सोचती है, क्या इस तरह से भी नाप सकते हैं? वह अपने पिता से पूछती कि क्या हम लंबाई को हाथ से भी नाप सकते हैं? हाँ बेटी, लंबाई को इस तरह भी नापा जा सकता है, जैसे हाथ द्वारा बलिष्ठ, वित्ता द्वारा, अंगुलियों द्वारा या फिर अंगुलियों द्वारा या फिर और कदमों द्वारा भी नापते हैं। देखिए, ये हाथ से नाप रही, ये वालिस्त, ये भाई अंगुल से नाप रहे पेंसिल को, ये कौन गोलू है, ओह, और ये कदम से नाप रहे हैं। शिक्षक हाथ, कदम, वालिस्त तथा अंगुलियों से अलग अलग नाप कर बच्चों को नापने का अवसर दे सकते हैं। अरे भाई, उनको तो अवसर मिलता ही है, प्यारे प्यारे। अब इतना करिए, अब ये काम आप लोगों को करना है, अपने घर से पड़ोस के घर की दूरी, नहीं, अभी नहीं जाना, इस लॉकडाउन में नहीं जाना, घर पर ही रहना, घर पर ही नापिए अपनी गणित की पुस्तक की लंबाई, हाँ, अपने पेंसिल बॉक्स की चौड़ाई अंगुल में, अपने घर के कमरे की चौड़ाई हाथ से, या फिर आप लकड़ी ले सकते हैं, हाथ के बराबर एक लकड़ी को तोड़ लीजिए, उससे नापिए। क्रिकेट बैट की चौड़ाई, अपने पेंसिल की लंबाई, इन सभी को नापिए। हाँ, ये देखिए, बाल्टी की ऊंचाई, गिलास, मेज की ऊंचाई, पानी की बोतल की ऊंचाई, किससे आप नापेंगे? तो ये थी नाप, यानी कि मापन। और आप आ रहे हैं इसके बाद तुरंत एक बहुत ही अच्छे से पाठ के साथ, बहुत मज़ा आने वाला, बस आप चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सदा सदा के लिए इस आल सब्जेक्ट के इस परिवार से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगे आपको अपने सभी पाठ और कविताएं। आप सभी को बहुत बहुत प्यार, नमस्कार।